पहले मारा फिर कुकर में पकाया, उसके बाद कुत्तों को भी खिलाया, पर गोदी मीडिया ने इसे डिबेट का हिस्सा न बनाया। लेकिन अगर किसी हिंदू बहन के साथ हिंदू व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो सब के ओठ सिल जाते हैं। यह दोगलापन क्यों? साक्षी हत्याकांड पर जमकर हल्ला मचा। मारने वाला साहिल था, मुसलमान था। हत्या इतनी निशर्स थी कि वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। मीडिया ने इस केस को खूब उछाला गया। अपनी पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी, उसके शरीर के आड़ी से 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। ये दो केस यहाँ पर इसलिए बताए गए क्योंकि इन दोनों केसों में हत्या करने वाला आरोपी मुसलमान है। मुंबई के मीरा रोड इलाके के आकाश गंगा सोसाइटी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने कटर से शव के 20 से अधिक टुकड़े किए और इसमें से कुछ टुकड़ों को कुकर में उबालकर मिक्सी में पीसकर कुत्तों को खिला दिया। एक बार फिर हिंदू बहन की हत्या हुई। आरोपी ने निशस्त्रता में कोई कमी नहीं रखी। फर्क इतना है कि आरोपी का नाम मनोज है, आफ्ताब नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। पहले मारा फिर कुकर में पकाया, उसके बाद कुत्तों को भी खिलाया, पर गोदी मीडिया ने इसे डिबेट का हिस्सा न बनाया। किसी भी घटना में मुस्लिम नाम आने पर बंदरों की तरह उछल कूद मचाने वाली जैसी भारतीय मीडिया, वो फर्जी हिंदू शेर संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करड़ी सेना, जैसे ही किसी घटना में हिंदू व्यक्ति का नाम होता है, चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। अगर किसी हिंदू बहन के साथ कोई मुस्लिम व्यक्ति कुछ भी गलत काम करता है तो उसे सजा देने, फांसी देने, गोली मारने जैसी मांगे ये लोग करने लगते हैं। कैंडल मार्च निकाला जाता है, जो कि सही भी है। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर किसी हिंदू बहन के साथ हिंदू व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो सब के ओठ सिल जाते हैं। यह दोगलापन क्यों? अभी हाल ही में साक्षी हत्याकांड पर जमकर हल्ला मचा। मारने वाला साहिल था, मुसलमान था। साहिल नाम के व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी के साथ चाकुओं से गोद कर निशंस तरीके से हत्या कर दी और उसके बगल में जितने लोग जा रहे थे वो किन्नरों की भांति देखते हुए जा रहे थे। किसी ने भी प्रतिवाद करने की शक्ति नहीं थी। तो अगर आप में प्रतिवाद करने की शक्ति नहीं है तो आप खुद मुर्दा हैं। उस पर कोई किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया कि नहीं क्यों हुआ, भीड़ ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। हत्या इतनी निशर्स थी कि वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। मीडिया में इस केस को खूब उछाला गया। मीडिया से लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को खूब उछाला। आरोपी पुलिस के गिरफ्त में भी है और उसे कानून के हिसाब से सजा भी मिलेगी। पिछले साल एक हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वो था हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ये कैसे हफ्तों तक छाया रहा, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल इस केस में आरोपी आफ्ताब ने अपने साथ लिव इन में रहने वाली अपनी पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी, उसके शरीर के आड़ी से 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। फिर हत्या आरोपित एक एक टुकड़े को दिल्ली में अलग अलग जगह फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। आरोपित ने पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे किए थे। ये दो केस यहां पर इसलिए बताए गए क्योंकि इन दोनों केसों में हत्या करने वाला आरोपी मुसलमान है। सारे देश ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने हत्या के समर्थन में रैली नहीं निकाली थी, लेकिन अक्सर ही हिंदू अपराधी के लिए तिरंगा यात्रा जरूर भगवा ब्रिगेड निकालता है। अब श्रद्धा हत्याकांड की तरह मुंबई में भी एक हत्या हुई। मुंबई के मीरा रोड इलाके के आकाश गंगा सोसाइटी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने कटर से शव के 20 से अधिक टुकड़े किए और फिर इसमें से कुछ टुकड़ों को कुकर में उबालकर मिक्सी में पीसकर कुत्तों को खिला दिया। डीसीपी जयंत बजबाले ने कहा, मृतका की पहचान 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य के रूप में हुई। वह अपने 56 वर्षीय दोस्त मनोज के साथ आकाश गंगा सोसाइटी में किराए पर एक फ्लैट में पिछले 3 साल से रह रही थी। एक बार फिर हिंदू बहन की हत्या हुई।
आरोपी ने निष्ठता में कोई कमी नहीं रखी। फर्क इतना है कि आरोपी का नाम मनोज है, आफताब नहीं। अगर आरोपी का नाम आफताब होता तो यह राष्ट्रीय खबर होती, हर अखबार के मुख्य पेज पर छपी रहती। आदमखोर भारतीय मीडिया इस खबर की हेडलाइन चलाने के साथ इस मुद्दे पर दर्जनों डिबेट करा चुकी होती। तमाम हिंदूवादी संगठन ने उत्पात मचा दिया होता। एक आरोपी के कारण पूरे मुस्लिम समुदाय को गालियां मिल रही होती। चूंकि आरोपी मुस्लिम नहीं है इसलिए सब के सब बिल में घुसे बैठे हैं। अब तो हमारे देश में बहन बेटियों के इंसाफ की मांग आरोपी देखकर की जाती है। अगर आरोपी मुस्लिम है तब तो पूरा देश इंसाफ की मांग करने के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन वही अगर आरोपी हिंदू है तो सबको साफ सुन जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई घटना हुई, आरोपी हिंदू है जिसके साथ घटना हुई है वो मुस्लिम है तो फिर क्या ही कहने। आरोपी के समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी, जुलूस निकाले जाएंगे, पीड़ित लड़की व्यक्ति का मीडिया ट्रायल होगा, सारे फैसले दलाल न्यूज चैनलों के स्टूडियो में ही हो जाएंगे। मुंबई में इस निशंस हत्या की खबर अखबारों में कोने में छपी है, किसी अखबार में पांचवें, किसी में छठवें, किसी में दसवें। मीडिया चैनल हिंदू मुसलमान में व्यस्त है। इस हत्याकांड में आरोपी मुस्लिम नहीं है तो यह उनके मतलब का नहीं है, क्योंकि इससे वो अपने एक सूत्री कार्यक्रम हिंदू मुसलमान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। न कोई संगठन रोड पर है, न हत्यारोपी को कोई फांसी देने की मांग की जा रही है, न ही आरोपी के हिंदू होने के कारण पूरे हिंदू धर्म को गाली दी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना कोई खास जिक्र नहीं है। केरला स्टोरी, सारी केरला स्टोरी से प्रोपेगेंडा फिल्मों को ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले तथा कथित हिंदू शेर सोए हुए हैं। हमारी हिंदू बहन के साथ जो क्रूरतम घटना हुई उसकी निशंस तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन हम सो रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है। यही ना अमृतकाल है हिंदू मुसलमान करिए, क्योंकि आरोपी मुसलमान नहीं है। आरोपी हिंदू है तो उसे छूट है, वह कुछ भी करे, पर हम सब कुछ नहीं बोलेंगे, अपना होंठ इसी तरह सीलेंगे, क्योंकि इससे हमारा हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का एजेंडा आज नहीं बढ़ेगा। और यह ऐसे नहीं हो रहा है, ये जब से 2014 में दंगा सम्राट ने शासन संभाला है तब से हिंदू मुसलमान में अपराध के डेफिनेशन की खाई बढ़ती जा रही है। यही अमृतकाल है, यही रामराज है, यही हिंदू राष्ट्र है। अब प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।